बहुत ही मेहनती व्यक्ति जिन्होंने न जाने कितने सिंगरों को फेमस किया है अपनी कलम के जरिए, और उनका पूरा सहयोग और पूरा प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है, और हमारी फिल्म दबंग सरकार के भी जो भी गाना आप लोगों ने देखा है या सुना है जो हिट हुए हैं उसके लिरिक्स राइटर। तो मैं दूसरा सम्मान अपने सबसे प्रिय छोटे भाई को देना चाहता हूँ, आज़ाद सिंह जी, और अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है। हमारे भैया हैं तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए मेरा तीसरा सम्मान है। हमारे छोटे भाई हैं पंकज मिश्रा जी, साथ में काम कर रहे हैं, ये विभांशु जी हैं, ये बहुत अच्छे क्रिएटिव व्यक्ति हैं, डायरेक्टर हैं, भावी डायरेक्टर हैं, तो इन सब लोगों का प्यार मिल रहा है। लक्की जी हैं कोरियोग्राफर हैं, इन सब लोगों का प्यार मिल रहा है। बाकी संजय भूषण पटियाला है, इनके बगैर तो सारे काम अधूरे हैं। तो अब हम लोग काम की शुरुआत करते हैं। जिस घड़ी का हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, और हम लोगों ने मिलके दो चैनल खोले हैं, एक का नाम है आइफा म्यूज़िक वर्ल्ड और दूसरे चैनल का नाम है आरवी बीट्स। अभी ये दोनों भोजपुरी के लिए चैनल हैं, जिसमें अभी सॉन्ग से लेके आगे फिल्म तक का जो भी एक सर्कुलम होता है वो हम लोग इसमें करेंगे। आइफा म्यूज़िक वर्ल्ड जो है वो हमारे द्वारा बनाई गई है, और आरवी बीट्स जो हमारे दबंग सरकार में एक प्रोड्यूसर थे यानी हमारे पार्टनर लखनऊ के मिस्टर राहुल वोरा की कंपनी है आरवी बीट्स। तो राहुल वोरा जी की फ़्लाइट मिस हो गई है, तो उनको मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या पंकज जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो म्यूज़िक कंपनी का निर्माण हम लोगों ने किया है, एक का नाम है आइफा IFA म्यूज़िक वर्ल्ड और दूसरी कंपनी का नाम है आरवी बीट्स, जिसपे आगे आने वाले समय में जैसे आप लोगों ने दबंग सरकार जैसी फिल्म देखी है, तो आगे आने वाले समय में हम लोगों की जोड़ी जो है कुछ अच्छे काम लेके आने की कोशिश करेगा। तो आज उसका शुभ आरंभ करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की परमिशन हो तो हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। आइए तो ये हमारी कंपनी है आइफा म्यूज़िक वर्ल्ड, और इसमें दो W लगे हुए हैं, ये न्यूमरोलॉजी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो आप लोग इसको अदरवाइज ना लीजिएगा। और दूसरी कंपनी है म्यूज़िक आरवी बीट्स। तो जल्द ही ये आज से आप लोगों को ये दिखने लगेगा, इसमें अभी गाना एक पड़ चुका है और कुछ गाने हम लोगों ने क्रिएटिव गाने बनाए हैं ऐसे करके रखो, जिसका पोस्टर लॉन्च भी है ग्लोबल म्यूजिक। तो ये तीन कंपनी है, तीनों कंपनी मिलके कुछ धमाल करने वाली है जल्द ही आपके सामने, और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बारे में आपने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चा में है। तो अब ये तीनों लोग, तीनों कंपनी मिलके कुछ नया धमाका करने आ रही हैं, जिसके बारे में होगी। गाने आपको अच्छे ही मिलेंगे, और पोस्टर से पता चल रहा होगा कुछ क्रिएटिव होने वाला है, तो गाने अच्छे मिलेंगे आपको, और सब लिरिक्स हमारे आज़ाद भाई की देन है। नए नए कंटेंट मार्केट में आने वाले हैं, तो पहला कंटेंट यह है लइकवा कैसे करिया होई, इसमें एक कहानी है और इसमें किरदार निभाया है मौसम जी ने, और हमारा ही स्टूडेंट है इंडियन फिल्म एकेडमी का जिसने इसमें फ़ीचर किया है, और इसको गाना गाया है शिल्पी जी ने, शिल्पी राज को आप सब लोग जानते हैं। तो ये पहला है सॉन्ग, ये लीजिए, और इसको कोरियोग्राफ किया है हमारे लक्की जी ने। ये भी शिल्पी जी का गाना है और इसके रचयिता हैं हमारे आज़ाद भाई, और जल्द ही ये भी आपके सामने आने वाला है लात भात। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत बढ़िया कंटेंट है, ये लीजिए। और इसको भी वीडियो शूट किया है विभांशु जी ने और कोरियोग्राफ किया है लक्की जी ने। सैया क्या थोड़ा शराबी हुआ, ये भी बहुत अच्छा गाना है, इसको फीचर किया है ग्लोरी मोहंता ने, और निर्माण किया है इन्होंने, शूट किया है हमारे प्रिय मित्र विभांशु जी, और कोरियोग्राफर हैं लक्की जी। तो ये अभी कुछ पोस्टर भी रिलीज कर रहे हैं। ये गाना डमी गाना पड़ा हुआ है हमारे पास, अंतरा जी का गाना है, जिससे कि चैनल मोनोटाइज हो जाए, और ये पोरे पोरे करके एक गाना है जिसमें रानी ने फीचर किया है, ये भी अंतरा जी का गाना है। तो ये कुछ गाने हैं जिनके पोस्टर हम लोगों ने डाल दिया है। नहीं, ये
कि जो भी हम गाना सुनते हैं या देखते हैं उसको बनाने के लिए सिर्फ कोई एक व्यक्ति ज़िम्मेदार नहीं होता है, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। सबसे पहली मेहनत होती है हमारे जो लिरिक्स राइटर होते हैं उनकी मेहनत होती है, दूसरी मेहनत जो म्यूज़िक बना रहे होते हैं उनकी होती है, जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं या जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बाद सिंगर आता है, सिंगर उसको गाना गाता है, उसके बाद शूट किया जाता है, शूट करने में डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैमरामैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेकअप, लाइट मैन और जो कोरियोग्राफर होते हैं वो। तो अपनी इंडस्ट्री में जो हमने ये पहल करी है उसमें ख़ास बात पॉइंट नंबर वन है कि हमारे इस कंपनी में जो भी गाना होगा उसमें हर उस टेक्नीशियन की उतनी ही वैल्यू होगी जितनी की हर जगह पे होनी चाहिए, यानी कि जितना सिंगर की वैल्यू है, जितना एक्टर की वैल्यू है, उतनी ही वैल्यू लिरिक्स राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर सब की एक बराबर वैल्यू होगी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू जो अलग है या थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इस चैनल पर जो भी नए कलाकार हैं, चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो एक्टर हों, डांसर हों, उनका वीडियो जब भी हमारे पास आएगा तो उसको हम लोग जांचेंगे, परखेंगे, अगर वो हमारे क्रिएटिव क्राइटेरिया से परे होता है, पार करता है या हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो गाना हम लोग फ्री में नहीं लेंगे और उस गाने की उसको कॉस्ट दी जाएगी। और अगर उस गाने को हमारे चैनल पे डाल के उससे कुछ भी रेवेन्यू मिलता है तो 50% का उसको रेवेन्यू भी दिया जाएगा, मतलब कोई भी काम फ्री में नहीं होगा। तो ये दो मेन पॉइंट हैं। इस चैनल की एक और ख़ास बात है कि इस चैनल के साथ कई प्रोड्यूसर्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। उसमें से हैं श्री पंकज मिश्रा जी, यानी कि हमारे छोटे भाई भी हमारे साथ में हैं, श्री अजय प्रकाश पांडे जी, श्री संतोष कुमार मिश्रा जी, श्री अखंड प्रताप सिंह, श्री सुनील दिवाकर, श्री रितेश ठाकुर, श्री रामचंद्र पाठक, राजेश चंद्र पाठक, श्री राजेश जायसवाल, श्री संतोष कुमार और श्री अनिल कनौजिया, यानी इतने प्रोड्यूसर्स की टीम हमारे साथ में लगी हुई है कुछ बड़ा काम करने के लिए। तो इन सब लोगों के आशीर्वाद के साथ में, इन सब लोगों के साथ और आज़ाद भाई के साथ में हम लोग इन दोनों चैनलों का निर्माण कर रहे हैं और जल्द ही इस चैनल पे छोटे बड़े मध्यम जो भी आप क्राइटेरिया करते हैं, क्योंकि क्वालिटी सिर्फ एक ही चीज़ होती है, जो आपको गाना अच्छा लग गया वो नंबर वन है, उसके सारे लोग नंबर वन हैं, और जो गाना नहीं अच्छा लगा वो थोड़ा सा उससे कम है, तो हर तरीके के गाने आपको इस चैनल पे जल्द ही देखने को मिलेंगे। आजाद जी आप। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज एक ही समय दो दो म्यूजिक कंपनी लॉन्च हो रही है जी, दोनों म्यूजिक कंपनी में क्या कुछ कॉमन है, एक साथ किस तरह से ये काम करेंगे बताइए। हाँ, दोनों कंपनियों में जो मैंने अभी बताया है वो दोनों चीजें दोनों कंपनियों में रहेगा, कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो भी रहेगा। कुछ मार्केट को देखते हुए जो एक कॉमन कंटेंट होते हैं वो लोकगीत हो गया या मतलब जो भी एक लोकगीत टाइप का होता है वो तो होगा ही। दोनों कंपनियों की खास बात ये रहेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए कलाकारों को मौका देंगे और उनकी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, मतलब नए कलाकारों को अगर मौका दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको हम यूज़ कर रहे हैं या फ्री कर रहे हैं। सर दो कंपनियां हैं, दोनों में एक ही तरह के कंटेंट जाएंगे कि अलग अलग जाएंगे? नहीं नहीं, दोनों में अलग अलग कंटेंट रहेंगे। और ये कंपनी जो है किस तरह के सॉन्ग्स ला रही है, भोजपुरी ला रहे हैं? अभी शुरुआत, हाँ अभी शुरुआत भोजपुरी और अवधि मिक्स करके हम लोग कर रहे हैं, मतलब भोजपुरी का भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और अवधि कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद जल्द ही हम एक हरियाणवी चैनल खोल रहे हैं, फिर पंजाबी चैनल खोल रहे हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे हिंदी के चैनल पे, यानी कि ग्लोबल करने की कोशिश करी जाएगी, बट शुरुआत भोजपुरी और अवधि से करेंगे क्योंकि हमारा जन्म ही वहीं पर हुआ है। 100% बिल्कुल, जितनी भी नई चीज़ें होंगी वो आपको जो भी हो सकती हैं रिस्क लेने वाली, हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। सपोर्ट आप सब लोगों का चाहिए होगा क्योंकि नई चीज़ लाएंगे तो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो रैप भी आएगा और हर तरीके के नए डांस भी आपको इसमें इन दोनों चैनल में देखने को मिलेगा। रिस्क जो मैक्सिमम, जो अगर कोई पैसा लगा रहा है तो पैसा उसको रिवर्ट चाहिए होता है ना, तो यही रिस्क है कि लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि अरे जो चल रहा है पैटर्न उसी पैटर्न पे काम करते हैं। कुछ लोग रिस्क ले रहे हैं तो आप समझ ही रहे होंगे कि गाने का लेवल किस लेवल पे पहुंच रहा है, अभी भोजपुरी से हिंदी पे पहुंच रहा है, तो वो लोग रिस्क ले रहे हैं, ऐसे हम भी रिस्क लेंगे, रैप का रिस्क लेंगे। आप कितना रिस्क लेते हैं गाना लिखते समय? जितना भैया ने बताया पूरा रिस्क लेते हैं, हमेशा रिस्क लिए हैं और आगे भी लेते रहेंगे। काफी दर्शक होते हैं जो गाली देते हैं और बधाई देते हैं। देखिए कम्प्लीटली तो हम ये नहीं बोल सकते कि 100% लोग हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होंगे, कुछ कटेंगे भी, तो अपना करते रहना है और ये थोड़ी सोचना है कि कितने लोग कट रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। हम अपना काम करते रहेंगे, बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, नया देने की कोशिश करेंगे। आपके नज़र में आईएफए की क्या सोच है? जैसा कि भैया ने अभी कहा, मैं पूरा फुल समर्थन करता हूँ इनका,
और मेरी भी वही सोच है कि सबसे पहले तो जो कैमरे के पीछे लोग काम करते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि कोई हिट गाना जो भी आता है मार्केट में तो उसमें सभी का हाथ होता है, सिर्फ एक आदमी का नहीं होता है। तो यहाँ पे वो सभी को सम्मान मिलेगा जो भी कैमरे के पीछे काम करते हैं। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे नए सिंगर भी आते हैं मार्केट में जो अच्छे प्रोजेक्ट बना के लाते हैं, कंपनियों को देते हैं, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस कंपनी में उनको भी बेनिफिट मिलेगा जिनके भी कंटेंट अच्छे होंगे। सम्मान देखिए मिलता है, बट क्या होता है ना कि अगर कोई गाना मान लीजिए कि हमने दिया लिखा, हमने 10 गाने लिखा, 4 गाने हिट हो गए तो क्रेडिट कहीं और चला जाता है, और 6 अगर फ्लॉप हो गए तो क्रेडिट राइटर को आ जाता है। कैमरे के पीछे जितने लोग हैं सबको फ्लॉप पे क्रेडिट सबको मिलता है। नहीं, गाने सबके लिए कर रहे हैं बट फर्स्ट प्रायोरिटी में इस कंपनी के लिए है। अभी फिलहाल मैं IFA म्यूजिक वर्ल्ड और RV बीट के लिए काम कर रहा हूँ। और ऐसा कोई टाइप नहीं है, ये कंपनी हम सबकी है, ये हमारी कंपनी है। ये ऐसा मैं ऐसा नहीं कि मैं वर्क कर रहा हूँ, दिल का बॉन्ड है, एग्रीमेंट का कोई बॉन्ड नहीं है, एग्रीमेंट का बॉन्ड नहीं है। सर, एक म्यूजिक जो हिट होती है उसमें लोकेशन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। तो आप लोग ने कैसे इसे कुछ डिसाइड किया कि ऐसे लोकेशन पे हम? हाँ, अभी जो देखिए मेरा जो सोचना है, ये मेरा सोचना है, अब इसके उपलक्ष्य में दूसरे लोग क्या सोचते हैं उस पर कोई मतलब नहीं। मेरा सोचना है कि अगर हम गांव से रिलेटेड कुछ भी गाना शूट करना चाहते हैं या बनाया या उसका कंटेंट गांव से रिलेटेड है तो जो दर्शक होता है वो अपने आप को रिलेट करना चाहता है। यानी जब वो पर्दे पे देखता है गाना तो गांव का बज रहा है, लेकिन जब पर्दे पे देखता है तो उसमें शहर का लुक आ रहा है, तो वो को रिलेशन टूट जाता है, मतलब वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो हम लोगों की कोशिश जो भी है वो ये है कि अगर कंटेंट हमारा गांव का है, गांव से रिलेशन रखता है, तो उसमें फिर हर एक चीज़ गांव से रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे वो लोकेशन हो चाहे कॉस्ट्यूम हो। अगर कंटेंट हमारा थोड़ा सा शहर का है तो उसमें शहर की पूरी लोकेशन होनी चाहिए। तो लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोगों, अभी जो हम लोगों ने दो गाने शूट किए हैं ये गांव से रिलेशन इनका रखा जा रहा है। तो जो भी हमारी लोकेशन है उसके पीछे आपको गांव ही दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमारी कंटेंट गांव का है और हम हवाई जहाज का सीन दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। टेक्नीशियन को दो तरीके का फायदा होने वाला है। पहला फायदा, चूंकि मैं खुद ही एक टेक्नीशियन हूँ तो टेक्नीशियन का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। हमारा जो हमारी शुरुआत है वो टेक्नीशियन से ही हुई है। मैंने कोरियोग्राफी से अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी, डायरेक्शन में हूँ, एडिटर हूँ, कैमरा चलाता हूँ, तो एक जो टेक्निकल का दर्द होता है वो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। इस वजह से टेक्निकल लोगों का या टेक्नीशियंस लोगों का या जो भी पर्दे के पीछे हैं उनका दो तरीके से फ़ायदा होगा। पहला, सम्मान बराबर मिलेगा, उसमें कहीं पर भी कमी नहीं होगी। दूसरा, जो पैसे मिलते हैं, जो रेवेन्यू मिलता है, उस पर भी उनका उतना ही हक होगा जितना कि मालिक का हक होता है। सर, इस म्यूजिक कंपनी में ओरिजिनल गाने जाएंगे या रिक्रिएशन? क्योंकि रिक्रिएशन के गाने भी काफी, बिल्कुल रिक्रिएशन, बिल्कुल रिक्रिएशन वाले गाने नहीं जाएंगे, ओरिजिनल कंटेंट जाएगा। रिक्रिएशन के लिए हम आगे कुछ अपना दूसरा चैनल खोलेंगे, उसमें डालेंगे, लेकिन इसमें ओरिजिनल ही कंटेंट रहेगा हमारा। आपने 5 पोस्टर लॉन्च किए, एक भी कोई बड़ा सितारे इसमें दिख नहीं रहा है, क्या जी प्लान है आपका छोटे भी प्रमोट करना? प्लान तो इस समय मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब, शिल्पी राज से बड़ा कौन सा सुपरस्टार नहीं, सिंगर, सिंगर की बात नहीं कर रहा, एक्टर की बात, एक्टर है ना, ग्लोरी मॉर्निंग, अविनाश पांडे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने आते ही बोल दिया था कि सबको बराबर सम्मान मिलेगा, तो जो हम शुरुआत कर रहे हैं इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि सबको सम्मान हम किस लेवल पे देना चाहते हैं। और रही बात बड़े एक्टर की, बड़े सिंगर की, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका भी गाना आएगा और उनके गाने आने से हमारी वैल्यू बढ़ेगी, और जितने छोटे एक्टर हैं उनके आने से भी मेरी उतनी ही क्वालिटी बढ़ेगी और मेरा उतना ही सम्मान बढ़ेगा। मेरी नज़र में सब बराबर हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो एक गांव से आया हुआ, एक हमने एक गांव के बंदे को गवाया है जिसने कभी कैमरा फेस नहीं किया, जिसने कभी माइक नहीं पकड़ी है, उसको भी हम लोगों ने ढूंढा है और उसमें हमने गाना गवाया उसको। तो हमारे लिए, हमारी इस कंपनी का सबसे बड़ा मोटो ही यही है कि जिसके पास टैलेंट है उसको प्रमोट करो। सर, जब म्यूजिक की बात आती है और खास करके भोजपुरी म्यूजिक की बात आती है तो सबसे पहला प्रश्न अश्लीलता का होता है। जी जी जी, आप इसे किस प्रकार से? अश्लीलता परोसने पे डिपेंड करता है। अगर वही चीज़ हमने अच्छे से फिल्माया है तो उसको ग्लैमर बोलते हैं, और वही चीज़ अगर हमने खराब तरीके से फिल्माया है तो वो अश्लील हो जाता है।
बट देखने वाला दर्शक है, हम हर बार यही चीज़ बोलते हैं कि देखने वाला दर्शक है। अश्लीलता अगर देख रहा है तो लोग सोचते हैं कि यही ट्रेंड में चल रहा है, फिर कुछ अलग हटके करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे पास दो गाने हैं, तीन गाने हैं, अभी जो गाने आ रहे हैं, जो हमारे नए गाने आ रहे हैं, आप जब देखेंगे तो उसमें आपको यही पता चलेगा कि तीनों का ट्रेंड अलग है। मतलब अश्लील की जगह पर हम ग्लैमर यूज़ करते हैं, और अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसमें हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो अश्लीलता, थोड़ा सा जो वल्गैरिटी जिसको बोलते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो भोजपुरी ऑडियंस है या भोजपुरी लैंग्वेज है, उसमें मिठास बहुत ज़्यादा है, एक सम्मान बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा वल्गैरिटी कम कर दें तो हम लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा है। आज देखिए, हिंदी फिल्मों में हम लोगों का कंटेंट यूज़ होता है, चाहे वो भोजपुरी लैंग्वेज हो, चाहे वो अवधी लैंग्वेज हो। जिस इस समय जितनी भी फिल्में, चाहे प्रकाश झा जी की बनती फिल्में या अनुराग कश्यप जी की फिल्में बन रही या सुधीर मिश्रा सर की जो भी फिल्में बन रही हैं, उसमें आप कंटेंट उठा के देख लीजिए, गाना उठा के देख लीजिए, वो भोजपुरी गाना है, लैंग्वेज भोजपुरी है, अवधि भोजपुरी दोनों मिक्स करके वो लोग काम करते हैं। तो वो लोग समझ गए कि हमारी लैंग्वेज में मिठास कितनी है। हम लोग आपस में ही उसको बढ़ा बढ़ा के कि अश्लील अश्लील करके। यस, भोजपुरी के लिए मैं, क्योंकि हम इससे पहले हिंदी मार्केट में थे, बट अब रीजनल आए हैं तो रीजनल में कुछ बड़ा सोच के, कुछ यूनिक, कुछ बड़ा करते हैं। भोजपुरी में पहले से काफ़ी कंपनी आई हुई, कितना कंपटीशन आया उसको लेकर के आपको? कंपटीशन तो हर मार्केट में कंपटीशन है, कंपटीशन यहाँ पे भी है, बट सपोर्ट कर रहे हैं इस कंपनी को, जो दोनों का हम डिजिटल सपोर्ट कर रहे हैं, आप CMS है, हम डिजिटल सपोर्ट कर रहे हैं और डिजिटली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब मेन चीज़ जो आइडियोलॉजी है सर की, उससे हम बहुत, हमारे इफेक्ट पड़ा है और उसी लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आप लोग जो कैमरा मैन कुछ कहना चाहेंगे, गाने जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं, और मतलब ऐसे गाने हैं जो कि हर कोई भी सुनेगा तो पता चल जाएगा कि टीम कौन है, टीम का बहुत फर्क पड़ा है इसमें, और सारे गाने अच्छे ही पड़ेंगे। जो आप बोल रहे थे अश्लीलता वाला, ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी, क्योंकि टीम मजबूत है। जॉनसन जी क्या कहें, क्या कुछ नया इसमें आ रहा है आपका ट्रेंड, ये क्या बोलते हैं, स्प्रिट मशीन के काफी जो मैंने वीडियो शूट किया है, थोड़ा सा डिफरेंट इसमें मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी गाने किए हैं सारे गाने हम लोगों के मॉडर्नाइज होते हैं, बट इस बार सर के साथ एक कॉन्सेप्ट बना के फर्स्ट टाइम मैं अपने डायरेक्शन में एक विलेज पैटर्न में मैंने शूट किया है, प्रॉपर जिसे कहते हैं कि एक रियलिस्टिक चीज़ों को शूट किया है। अभी तक जितने भी हमारे गाने हैं सारे गाने मॉडर्नाइज होते हैं, और ये एक अलग एक्सपीरियंस है सर के साथ, क्योंकि सर का भी सपोर्ट मिला, और एक गुरु और शिष्य का एक कॉम्बिनेशन कि और भी अच्छे से निखर के आया सारी चीज़ें प्रोजेक्ट, और अच्छा लगेगा बहुत जल्द। भोजपुरी में सबसे ज़्यादा हिट आपको कौन सा गाना आया, आपने शूट किया है, और किस किस साथ काम किया भोजपुरी? भोजपुरी में हमने सबके साथ काम किया है, और हमारा सबसे हिट गाना अभी रिसेंटली चल रहा है हमारा और आज़ाद भैया का, लागे लुचा है खेसारी सर का। उसके पहले स्टार्टिंग मैंने भोजपुरी में किया था गाना लालटेन 2.0, आज से एक साल पहले दिसंबर 2020 में। उसके बाद मैंने जनाबे अली खेसारी सर का, मोहब्बत जाता पवन सिंह सर का, और हम लोगों ने जानू जैसा ही रितेश पांडे जी, तो कल्लू जी के साथ हमारा सबसे हिट गाना हम लोगों का है जीना देवू 2.0, और अभी बट वो सारे गाने मॉडर्न गाने हैं, बट ये जो गाने हैं जो एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि एक रियलिस्टिक भोजपुरी में लोग और भी ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं कि हमें अपना गाँव, हमें अपना जगह देखने को मिले, तो उस तरीके के लोकेशन पर सर जाके हम लोगों के साथ शूट किए। पूछिए क्या कहना चाहेंगे, म्यूजिक कंपनी वालों के आपको बधाई देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो IFA म्यूजिक वर्ल्ड को कॉन्ग्रेचुलेशन, और सभी थैंक यू योगेश भैया एंड आजाद भैया, विवांशु और मुझे चूज़ करने के लिए इस प्रोजेक्ट में, अपने साथ ज्वाइन करने के लिए, और जो भी गाने यहाँ पे बनेंगे आपको उसका एक हुक स्टेप मिलेगा, तो आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और पहली चीज जो हम लोगों का एक, हम दोनों का एक लेवल है कि क्वालिटी वीडियो और लाइटिंग स्टाइलिश, तो सेम चीज़ें इसमें भी देखने को मिलेंगी, कोई कमी नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये सब, एक रियलिस्टिक गाँव देखने को मिलेगा इसमें, बैलगाड़ी देखने को मिलेगा इसमें, गांव देखने को मिलेगा इसमें, खपड़ेले का घर एक, आप मोड़े जो आप गांव में एक स्टेज शो देखते हैं, हम लोग ने गाना किया हुआ है ग्लोरी जी के साथ में, गांव में जो ऑर्केस्ट्रा होता है,
एक अलग तरीके का पैटर्न है ये, सेम ऑर्केस्ट्रा का लुक देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मिर्च मसाला हम लोग डाले हैं, बट टच वही है कि ऑर्केस्ट्रा में लोग एंजॉय कैसे करते हैं लड़के। भोजपुरी में बहुत अधिक म्यूजिक कंपनियां खुल चुकी है, ये उनसे कितना अलग है? ये एक्चुअली थॉट में बहुत सारा अलग है, इनके थॉट में हर एक कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है, ऐसा नहीं है कि कल रात को गाना बना और परसों रात को शूट हो गया, तो एक गाने के पीछे बहुत सारी मेहनत है, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जाता है कि हर एक लोकेशन पे, हर एक सिचुएशन पे, कॉस्ट्यूम पे काम किया जाता है, उस हिसाब से इस ऐसा नहीं है कि बाकी म्यूजिक कंपनी के तरीका नहीं है कि छोटी सी कंपनी कोई भी उठ के या कुछ भी गाना बना दी, आज गाना आया और कल शूट हो गया, ऐसा नहीं है, तो एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जाता है उसके बाद शूट किया जाता है। हिट मशीन और पावर स्टार के गाना कब तक मिलेगा? मुझे लगता है कि नवंबर के आसपास हम लोग प्लान कर रहे हैं, खेसारी भैया से बात हो गई है और अब तो हम ग्लोबल के साथ में ही काम कर रहे हैं, तो जो भी बाउंडेशंस थी वो भी हट गई हैं, और पवन जी से भी हमारी लगभग बात हो चुकी है, कल्लू जी के करीब 6 गाने हम लोगों ने तैयार किए हैं जो शायद अक्टूबर में शूट हो जाएंगे, और अंकुश राजा हो गए, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनसे हमारा लाइनअप हो चुका है, कॉन्सेप्ट जा चुका है और म्यूज़िक तैयार हो रही है, तो मुझे जो मेरा अंदाज़ा है पवन भैया और खेसारी जी का सॉन्ग नवंबर के आसपास आ जाएगा चैनल पे। तैयारी में है कुछ बेस्ट देने की, और टारगेट 1 मिलियन नहीं अब 1 बिलियन का टारगेट है। तो ग्लोबल से पूछा तो 1 बिलियन होगा तो कुछ खास होगा कंपनी के लिए, स्पेशल होगा कुछ? बिल्कुल खास होगा क्योंकि टीम से जो भी जुड़ा होगा लोअर से अपर तक सबको उस गाने का जो भी रेवेन्यू होगा सबके से हम लोगों को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल आपको इनवाइट किया जाएगा, बिल्कुल प्रमोट करिए जम के। त्रिशा जी क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं IFA म्यूजिक वर्ल्ड एंड RB बिट्स को बहुत सारा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अलग करने वाले हैं और एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, एंड आई विश कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। योगेश जी, तमाम सरकार बनाने से पहले अभी अभी फिर से एल्बम क्षेत्र में उतर गए हैं, क्या कुछ भोजपुरी में कुछ बदलाव आया है? बदलाव तो काफ़ी आ गया है, और जब मैं दबंग सरकार बना रहा था उस समय की एल्बम और सॉन्ग्स में मुझे बहुत ज़्यादा मन नहीं करता था काम करने का, बट अभी जो एल्बम्स का पैटर्न आ गया है वो लाइक मेरी दबंग सरकार जैसा ही, यानी मेरा टेक्सचर है, अच्छा शूट हो रहा है, चाहे वो कल्लू जी की फिल्म हो, गाना हो, या पवन जी का हो, या खेसारी जी का हो, किसी का भी जो भी इस समय काम हो रहा है वो बहुत अपर लेवल पर काम हो रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मुझे लगा कि हाँ दबंग सरकार जैसा कुछ मैं यहाँ पे भी एल्बम फील्ड में भी कर सकता हूँ, सो मैंने हाथ बढ़ाया और आज़ाद भाई का सपोर्ट मिल गया, आज़ाद भाई का कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट थिंकिंग मैच हो गई, और राहुल वोरा जो हमारे पार्टनर हैं जिनकी कंपनी RV बीट्स, उनका भी थॉट मैच हो गया, ग्लोबल भैया राजकुमार भैया का भी थॉट मैच हो गया, तो हम सारे लोगों की टीम जो है जब एक जिसको बोलते हैं टीम बनी, तो उससे कुछ बड़ा धमाका जल्द ही आप सब लोगों के सामने आने वाला है, और मुझे लगता है 1.5 से 2 महीने में जो हम लोगों का कॉम्बिनेशन का एक बम ब्लास्ट होने वाला है वो आप लोगों के सामने जल्दी ही आएगा, और उस बम ब्लास्ट का सब लोग मज़ा लेंगे। सर गांव की बात चल रही है कि 2021 चल रहा है सर, यूपी और बिहार ने काफी तरक्की कर ली है जी जी, और गांव पूरी तरह से बदल चुका है, आप लोग की टेक्निकल जो टीम है किस तरह से डिस्कस है, क्योंकि गांव गांव भी नहीं लगेगा और शहर भी लगेगा, कुछ डिस्कस हुआ क्या? हाँ, तो जो गांव और शहर के बीच का माहौल है उसी परिवेश में हम लोग शूटिंग का प्लान बनाते हैं, और वही परिवेश आपको दिखाई पड़ेगा जी। एक मेरा थॉट है, मेरा अभी एज 26 हो रहा है, मैं अभी 1989 और 2000 में क्या मेरा शहर था मैं भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता। अभी अगर हम मेरे एज के जितने लड़के हैं, हम तो देख रहे हैं ना, हम तो फरारी देख रहे हैं सामने से, रेंज रोवर देख रहे हैं, हम वो चीज़ों को देख रहे हैं, अगर हमें देखना है तो हम बॉलीवुड देख रहे हैं, हमें मेन होता है कि अगर हमें अपना देखना है गांव हमारे एज के लड़कों को तो कहाँ देखेंगे, तो हमारा यही एक जरिया है म्यूज़िक वीडियो या फिल्म कि हम उनको उस टाइम का 2000 या 1989 के हम थॉट्स को ला के दिखा सकते हैं उन गानों के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे इन गानों को देखना पसंद करते हैं, वो उनका कल्चर अभी भी मोबाइल वाला ही है, वो लैपटॉप पे भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो जो उनका परिवेश है उस परिवेश में जब वो गाना देखना चाहते हैं और वो जब उनको फिल्म में या कैमरे पे वही सेम चीज़ दिखती है तो उनको अच्छा लगता है। जितने भी हिट गाने चल रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ खास बात ज़रूर होती है,
बगैर म्यूज़िक के, बगैर लिरिक्स के कोई भी गाना हिट नहीं हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जो परिवेश चाहते हैं लोग उस पर ज़्यादा काम करें। हाँ, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इस समय का जो गांव है वो पहले वाला नहीं रह गया, जो नदिया के पार फिल्म वाला गांव नहीं रह गया, लेकिन हाँ, गांव अभी भी गांव है। तो जो इस समय का गांव है उसी परिवेश को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। और जो बेसिक चीज़ है, जो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हमारे इस चैनल से जो नए नए सिंगर हैं, जो क्योंकि जब से मैंने इंडियन फिल्म एकेडमी खोली है, मेरे पास कई फ़ोन आते हैं कि सर मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो आज मैं उनको बताता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने मिलकर तैयार कर दिया है, आईफा म्यूज़िक वर्ल्ड और आरवी बीट्स। उन सिंगरों का बहुत बहुत स्वागत है जिनके पास टैलेंट है और ऑप्शन नहीं है, वो हमारे पास आएँ, यूट्यूब पे जाएं, नंबर ढूंढें, नंबर पे कांटेक्ट करें, मेरे पास आएँ, अपना कंटेंट सुनाएं। उनको कोई भी पैसा खर्चा करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। अगर उनके कंटेंट में दम है तो ये मेरा प्रॉमिस है कि उनको यहाँ से उदास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हमारी पहल है और मैं चाहूँगा कि और लोग भी इस पहल में जुड़ें, साथ दें, क्योंकि देखिए नए कलाकारों को जन्म देने वाले हम ही लोग होते हैं। जब तक हम लोग आगे हाथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक नए लोग घुट घुट के मरेंगे और मर भी रहे हैं। तो मेरी और आज़ाद भाई की जितनी भी कोशिश है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जिनके अंदर टैलेंट है उनको सामने लेके आए। दबंग सरकार के बाद मेरी 3 फिल्में हैं। एक फिल्म है बिल्कुल पाइपलाइन में आ चुकी है जिसका मैं अनाउंसमेंट कर चुका था, लेकिन हमारी जो कोरोना काल में कॉलेज खुले नहीं, जिसका नाम है विद्यापीठ, उसमें भी मैं कल्लू का पूरा लुक चेंज करने की कोशिश में हूँ। और उसी के बाद हमारी एक फिल्म है जिसका नाम है शुक्ला जी, उसमें भी कल्लू जी हैं, उसको उसमें फिर कल्लू का एक अलग रूप लेके आ रहा हूँ। और तीसरी फिल्म है जिसका नाम है महाराज जी, उस फिल्म को भी मैं लेके आ रहा हूँ। और महाराज जी के लिए अभी कास्टिंग चल रही है, अब मैं भी शायद खेसारी जी के साथ महाराज जी कर रहे होंगे, या फिर उसमें जो भी प्रावधान होंगे उसको हम लोग देखेंगे। 3 फिल्मों पर अभी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। मैं तो अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अभी फिलहाल मैं विद्यापीठ का म्यूजिक कर रहा हूँ और लिरिक्स भी हमारे हैं, प्यारेलाल कबीर जी भी है साथ में। और इस बीच में तो बहुत सारी फिल्में मैंने किया ही नहीं क्योंकि लॉकडाउन में मैंने थोड़ा छुट्टी ज़्यादा मना लिया गाँव में जाके, तो म्यूजिक एल्बम पर ज़्यादा था। हाँ वही समझ लीजिए, फिल्म दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार हम लोग इस फील्ड में आए हैं, जैसा प्यार आपने सबको दिया वैसा प्यार हम लोगों को भी दीजिए। और अगर आपको कहीं से कोई शिकायत होती है तो आप उस नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा आपको सारे चैनल में, और उसको सब्सक्राइब करिए। और अगर पसंद आए तो उस लाइक भी करिए, अगर पसंद ना आए तो बिल्कुल लाइक मत करिए, लेकिन पसंद आए तो लाइक करिए, जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि किस तरीके का कंटेंट हमें और बनाना है। तो ये जाते जाते मैं कहना चाहूँगा। बाकी जो मीडिया लोग, मीडिया वाले भाई हमारे हैं, उनका भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि दबंग सरकार जब मैं बना रहा था तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल हो पाई थी, जो कि नहीं थी। मैं बिल्कुल कैमरे के सामने ओपनली बोलता हूँ, मुझे इसमें कोई भी डर नहीं, जो कि मैं नहीं कर सकता था। अगर मीडिया मेरे साथ नहीं होती तो शायद इतना बड़ा रिस्क भी नहीं ले पाता, क्योंकि जो कल्चर चल रहा था उस समय वो कल्चर मुझे उतना रिस्क लेने के लिए आगे नहीं बढ़ाता। लेकिन मीडिया के भाइयों ने हमें बहुत सपोर्ट किया था और उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और ऐसे ही ये जो मैं नया स्टेप उठा रहा हूँ, चैनल ला रहा हूँ मार्केट में, इसमें भी मीडिया वाले भाइयों का बड़ा सपोर्ट रहेगा। बाकी आप लोगों को जैसा सही लगेगा आप करिएगा, बिल्कुल करिएगा, और अगर कहीं पे कोई माइनस पॉइंट दिखता है तो आप ज़रूर मुझे उसके बारे में बताइएगा, हम उसको बिल्कुल बदलने की कोशिश करेंगे।